ये मासूम बच्चे जिनका खुद पर कोई इख्तियार नहीं, वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं। ऐसे खास बच्चों को पढ़ाना और देश की मुख्य धारा से जुड़ना खुद में एक चुनौती है। लेकिन शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में चल रहे स्पेशल एजुकेशन इन मेंटल रिटार्डेशन कोर्स में ऐसे टीचर और ट्रेनर तैयार किए जा रहे हैं जो इन खास बच्चों को पढ़ाएंगे और उन्हें एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए तैयार करेंगे। जहां भारतीय पुनर्वास परिषद दिल्ली से मान्यता प्राप्त बीएड और एमएड जैसे डिग्री और डिप्लोमा कोर्स चलाए जा रहे हैं, यहां छात्रों को 40% थ्योरी और 60% प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल के लिए करीब 150 छात्रों को राजधानी लखनऊ के अलीगंज में मौजूद चेतना संस्थान भेजा जाता है। प्रैक्टिकल के दौरान 4 प्रोफेसर सभी छात्रों को सुपरवाइज करते हैं। चेतना अपने आप में एक अनूठा संस्थान है जहां मानसिक रूप से कमजोर तकरीबन 170 बच्चे पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी के सभी छात्र चेतना की अलग अलग क्लास में पहुंचते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, दिमागी तौर पर कमजोर बच्चों को यहां पढ़ाई के साथ साथ डांस और म्यूजिक क्लास भी दी जाती है। यहां यूनिवर्सिटी के छात्र विशेष बच्चों के लिए खेलने की प्रैक्टिस भी करवाते हैं ताकि उनके अंदर छिपी प्रतिभा को निखारा जा सके। इस दौरान यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ चेतना के अनुभवी टीचर भी मौजूद रहते हैं। यूनिवर्सिटी के छात्र अभिभावकों को समझाते हैं कि आखिर वो अपने बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करें। ये छात्र एक दिन ऐसा वक्त लेकर आएंगे जहां किसी को ना तो कमजोर समझा जाएगा और ना किसी से कम। उम्मीद है कि शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय की ये कोशिश समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी।